नेफ्रोटिक्स के टॉपिक को स्टडी करेंगे और इसमें कितने ड्रग्स हैं वो देखेंगे, उसके बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यूजेस लर्न करेंगे मेमोनिक्स के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेप्रोसी होता क्या है, व्हाट वी मीन बाय द वर्ड लेप्रोसी, ओके। तो लेप्रोसी को हम हैंसन डिजीज कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हैंसन डिजीज क्या होता है, ये वर्ड है क्या, इसका मीनिंग क्या है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसका मीनिंग बताती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझे, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, मस्जिद के बाहर आप लोग देखे होंगे कि बहुत पैसे मांगने वाले बैठे रहते हैं, तो देखो उनका हाथ नहीं रहता है, अजीब सा रहता है या फिर आधा हाथ रहता है। इमेज देखकर क्लियर हो गया होगा, इसी चीज को हम कहते हैं लेप्रोसी, ठीक है। और लेप्रोसी को ही हम हैंसन डिजीज भी कहते हैं। लेप्रोसी जो है वो एक बैक्टीरियल बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। और ये बैक्टीरिया को माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से ही लेप्रोसी होता है, ठीक है। अब हमको लेप्रोसी का मीनिंग समझ में आ गया, हैंसन डिजीज का भी मतलब समझ में एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसका इलाज कैसे करें। तो हम जिस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं लेप्रोसी के लिए वो है एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। तो हमें पढ़ना है एंटी लेप्रोटिक के ही ड्रग्स, ठीक है। तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग का डेफिनेशन हम ऐसा लिखेंगे, द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ लेप्रोसी आर नोन एज एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी आर नोन एज एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। और ये ड्रग्स जनरली होती है एंटी बैक्टीरियल एजेंट की वजह से। हमने बैक्टीरिया का नेम देखा था विच इज मायोबैक्टीरियम लेप्रे, ओके। एंटी लेप्रोटिक में सिर्फ एक ही ड्रग्स है विच इज शावनमोगरा ऑयल। इसका बायोलॉजिकल सोर्स रहेगा हिप्नोकार्पस एंथेलमिनेटिका, फैमिली इज फ्लैगोटिया सीए, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंटी लेप्रोटिक ड्रग इज शावनमोगरिक एसिड, शावनमोगरा ऑयल से मिलेगा, यूज एज अ एंटी लेप्रोटिक। ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग के लिए यूज होता है, ठीक है। शावनमोगरा ऑयल ड्रग्स का मेमोनिक्स रहेगा हिडन रैना कार्पस एंथेलमिनेट, वो फ्लाईपोर्ट से आती होगी। हिडन रैना कार्पस एंथेलमिनेट वो फ्लाईपोर्ट से आती होगी, ठीक है। तो फिर हमको बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कंस्टिट्यूएंट इजीली मिल जाएगा थ्रू दी मेमोनिक्स। तो हिडन रैना कार्पस एंथेलमिनेट, इससे हमको बायोलॉजिकल सोर्स मिल जाएगा हिप्नोकार्पस एंथेलमिनेटिका। फ्लाई जो मेमोनिक्स में दिया हुआ है फ्लाई, इससे हमको फैमिली मिलेगी फ्लैगोटिया सीए। और केमिकल कंस्टिट्यूएंट तो हमको शावनमोगरा ऑयल से ही मिल जाएगा विच इज शावनमोगरिक एसिड, यूज एज अ एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर मेमोनिक्स अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।